हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ वेंटिलेशन। तो हमारे जो वेंटिलेशन होते हैं, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है आपका एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, सेकेंड वन इज़ सप्लाई वेंटिलेशन सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस वेंटिलेशन सिस्टम। तो जो सबसे पहला है आपका ये एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम, ये बेसिकली जो एप्लीकेशन है इसका है आपका टॉयलेट्स वगैरह में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी स्टेल एयर होती है, गंदी एयर होती है, उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो टॉयलेट्स में वहाँ पे हम एग्जॉस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक निगेटिव प्रेशर, वहाँ की एयर को आप निकालते जा रहे हैं तो वहाँ पे एक निगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो जब वहाँ का रूम का प्रेशर कम होता जा रहा है, तो जितने भी आपके रूम में लीकेजेस होते हैं, लाइक खिड़की हो गई या आपके दरवाजे के नीचे के गैप हो गए, तो वहाँ से उस प्रेशर को भरने के लिए एयर आती रहती है, तो वो एयर निकलती रहती है। तो यहाँ पे हमेशा रूम में एक निगेटिव प्रेशर बना रहता है वहाँ पे, कभी भी जिसकी वजह से कभी भी बाथरूम की एयर आपकी गेट के थ्रू बाहर नहीं जाएगी। तो ये एक निगेटिव प्रेशर से ये आपको एडवांटेज होता है कि वहाँ की एयर कभी भी आपकी बाहर नहीं जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया से। तो ये आपका हो गया एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम। इसके बाद आता है आपका सप्लाई सप्लाई वेंटिलेशन सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है कि हम एप्लीकेशन जो है हम यूज़ करते हैं रूम्स वगैरह में, जहाँ पे हमें फ्रेश एयर की नीड होती है, वहाँ पे हमें सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो हमने क्या किया, बाहर से फ्रेश एयर ले ली, उसको फिल्टर करके रूम में डाल दिया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ एयर रूम में डालते जा रहे हैं। तो जब रूम में डालते जा रहे हैं तो वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर बनता जा रहा है। तो जब पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर वो रूम के जितने भी लीकेजेस हैं, लाइक आपका गेट के नीचे जो गैप होता है और जितनी भी आपकी विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ के थ्रू वो बाहर जाएगा, तो वहाँ पे हमेशा एक आपका पॉजिटिव प्रेशर बनेगा रूम में। पॉजिटिव प्रेशर इन सेंस क्या है कि आपकी जो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी बाहर की एयर अंदर कमरे के नहीं आ पाएगी। ये हमारा ओटीज़ वगैरह में हम इसी तरह से जैसे जो कोविड के सॉरी जितने भी हमारे ओटीज़ वगैरह होते हैं ऑपरेशन थिएटर, उसमें क्या होता है कि आपकी आपका बॉडी खुली हुई होती है, तो कोई बाहर से बैक्टीरिया ना आ जाए, क्योंकि आपकी बॉडी खुली हुई है, बाहर से कोई वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। इसलिए हम वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव प्रेशर बना के रखते हैं कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया ना आए। तो इस तरह का जितना भी वेंटिलेशन होता है, ये सप्लाई वेंटिलेशन होता है, यहाँ पर हम एक पॉजिटिव प्रेशर बना के रखते हैं रूम में, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी आपकी एयर नहीं आती है। जितनी भी कमरे में एयर रहेगी वही आपकी बाहर निकलेगी। उसके बाद एक थर्ड आता है बैलेंस वेंटिलेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी सप्लाई एयर है, जितनी भी एयर है बाहर से, जितनी हम एयर ले रहे हैं उतनी ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे दोनों सिस्टम लगता है, सप्लाई के लिए भी लगता है, एग्जॉस्ट के लिए भी लगता है। तो इसमें हमने अगर 1000 CFM की एयर को अंदर डाला है तो 1000 CFM ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे पूरा प्रॉपर बैलेंस सिस्टम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ERVs में भी यूज़ होता है। बेसिकली जितने भी आपके एयर कंडीशनड एरिया होते हैं, वहाँ पे अगर आप एग्जॉस्ट करेंगे, तो एयर कंडीशन एरिया में एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो वहाँ की जो कूलिंग है वो आपकी वेस्ट हो जा रही है, या आप सप्लाई कर रहे हैं बाहर से एयर तो वो भी आपकी कूलिंग को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बाहर की एयर का टेम्परेचर अलग है, अंदर आपका अलग है, तो वो भी आपका टेम्परेचर अलग करेगा। तो यहाँ पे ERVs में हम एक हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, जो कि इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेता है। सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होता है आपका हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है आपका, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो किसी दूसरे वीडियो में मैं इस पे ERV के ऊपर टोटली इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। और थैंक यू, इसमें मैंने आपको प्रॉपर इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और अब अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आपकी कोई भी वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कहीं भी किसी भी तरीके से, आप कांटेक्ट करिए हमें और हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे।